वेलकम स्टूडेंट टू डिजिटल लेक्चर ऑफ सुभाष इंग्लिश स्कूल क्लास 12th केमिस्ट्री। इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। टुडे वी शैल कंटिन्यू अवर चैप्टर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, 30 मिलीलीटर इथाइल अल्कोहल इज डिजॉल्व इन 270 मिलीलीटर वाटर। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल इन द सॉल्यूशन। स्टूडेंट वेयर इज परसेंटेज इक्वल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, चूंकि यहां 30 मिलीलीटर ऑफ इथाइल अल्कोहल दिया गया, मिलीलीटर मीन वॉल्यूम है स्टूडेंट, ठीक है, एंड 270 मिलीलीटर वाटर दिया है, वाटर मीन सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सोल्यूट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 30 मिलीलीटर, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर कितना दिया है 270 मिलीलीटर, प्लस मास ऑफ सॉल्यूट इथाइल अल्कोहल कितना दिया है स्टूडेंट्स 30 मिलीलीटर। 270 प्लस 30 इक्वल कितना हो जाता है स्टूडेंट्स 300 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा स्टूडेंट्स 300 मिलीलीटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 30 मिलीलीटर। अब फॉर्मूला हमारा क्या बनता है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 30 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा स्टूडेंट्स 300 इनटू 100 इक्वल कितना हो रहा है स्टूडेंट्स 10। तो वॉल्यूम परसेंटेज जो हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स ये कितना आ जाता है हमारा 10। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। इसमें देखिएगा, इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी कितना दिया गया स्टूडेंट्स 1.1 ग्राम पर लीटर, ओके, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स देखिएगा, 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां देखिए 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट का मास दिया गया है, ठीक है, एंड सॉल्यूशन का क्या दिया गया स्टूडेंट्स वॉल्यूम। तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ये जो हम वॉल्यूम दिया गया है इसको भी हम काई में कन्वर्ट करेंगे मास में। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल क्या होता, फॉर्मूला क्या बनता है, मास इक्वल क्या होता, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है स्टूडेंट्स 500 मिलीलीटर, ठीक है, इनटू डेंसिटी कितना दिया गया स्टूडेंट्स 1.1 ग्राम लीटर इनवर्स, ओके, इक्वल कितना हो जाता है स्टूडेंट्स 550 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा स्टूडेंट्स 550 ग्राम, एंड मास ऑफ सॉल्यूट ऑक्सैलिक एसिड कितना दिया गया स्टूडेंट्स 11 ग्राम। तो मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 11 ग्राम। अब मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड चाहिए तो क्या होगा स्टूडेंट्स, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 11 अपॉन में क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, मास ऑफ सॉल्यूशन 550 इनटू में कितना होगा स्टूडेंट्स 100, इक्वल कितना आ जाता है स्टूडेंट्स 2%। तो आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना आ रहा है 2%। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द मासेस ऑफ कैन शुगर एंड वाटर रिक्वायर टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर। स्टूडेंट्स कैलकुलेट द मासेस ऑफ कैन शुगर एंड वाटर, मतलब हमें यहां मास ऑफ कैन शुगर एंड मास ऑफ वाटर दोनों कैलकुलेट करना है, ओके, रिक्वायर टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर। ओके तो यहां पर देखिएगा स्टूडेंट्स के मास परसेंट इक्वल क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास परसेंटेज इक्वल क्या होता है स्टूडेंट्स, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मास परसेंट कितना दिया गया स्टूडेंट्स आपको 25% सॉल्यूशन दिया गया, तो मास परसेंट तो दे दिया गया स्टूडेंट्स 25, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया स्टूडेंट्स आपको 250 ग्राम। ओके अब आप लोग देखिएगा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, मास परसेंट कितना दिया गया है 25, हमें क्या कैलकुलेट करना है मास ऑफ कैन शुगर। ओके तो मास ऑफ सॉल्यूट मींस मास ऑफ कैन शुगर अपॉन में हम क्या ले रहे थे स्टूडेंट्स मास ऑफ सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है 250 ग्राम, इनटू में हम क्या कर देते स्टूडेंट्स 100।
तो मास ऑफ केन शुगर इक्वल कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, 25 इंटू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 250, और अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 100, इक्वल कितना आ जाता है 62.5 ग्राम। ओके, तो मास ऑफ केन शुगर कितना हो जाता है स्टूडेंट्स 62.5 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, वाटर में सॉल्वेंट। तो यहां पर हम देखेंगे कि टोटल सॉल्यूशन में से अगर हम सॉल्यूट को माइनस कर देते हैं तो क्या रह जाता है सॉल्वेंट। तो मास ऑफ वाटर इक्वल कितना होगा स्टूडेंट्स, तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 250, ठीक है 250 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है स्टूडेंट्स 62.5 ग्राम आ रहा मास ऑफ केन शुगर। तो 250 ग्राम जो मास ऑफ सॉल्यूशन है इसमें से माइनस कर देंगे हम 62.5 मींस मास ऑफ केन शुगर को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाता है स्टूडेंट्स मास ऑफ वाटर जो कितना रहेगा 187.5 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाता है मास ऑफ केन शुगर 62.5 ग्राम एंड मास ऑफ वाटर 187.5 ग्राम। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स हमारा। एंड स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, 100 मिलीग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम सॉल्यूशन। ओके, कैलकुलेट कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन ppm। ओके, मींस पार्ट्स पर मिलियन कंसेंट्रेशन हमें कैलकुलेट करना है, ppm कंसेंट्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। अब ppm कंसेंट्रेशन के लिए स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला बनता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, जब हमें ग्राम में दिया गया है स्टूडेंट्स, इनटू में क्या हो जाता है स्टूडेंट्स 10 to the power 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ppm कंसंट्रेशन की डेफिनेशन हम सभी जानते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो यहां पर हम देखें स्टूडेंट्स के, अब आप लोग देखिएगा हमें क्या दिया गया है, ppm कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट 100 मिलीग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे इनटू क्या कर दिया स्टूडेंट 10 to the power -3, ठीक है, अपॉन में हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स 1000। ओके, जो मास ऑफ सॉल्यूशन हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स कितना दिया गया है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, तो 1000 इनटू में कितना कर देते हैं स्टूडेंट्स 10 to the power 6, तो हमारा जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स ये कितना हो जाता है 100। ओके, कंप्लीट स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द मोलेरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स देखिएगा, कैलकुलेट द मोलेरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन मतलब कैपिटल M हमें कैलकुलेट करना है, कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। 5 ग्राम NaOH मींस मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है स्टूडेंट्स 5 ग्राम इन 450 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है स्टूडेंट्स 450, ठीक है, तो यहां पर हम देखें स्टूडेंट्स मास ऑफ सॉल्यूट WB इक्वल कितना दिया गया है स्टूडेंट्स 5 ग्राम, ठीक है, अब सॉल्यूट क्या है स्टूडेंट्स NaOH, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट MB इक्वल कितना दिया है स्टूडेंट्स 40 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V इक्वल कितना दिया है स्टूडेंट्स 450, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH स्टूडेंट्स कितना होता है 40, Na 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल 40, ठीक है, तो याद रखिए स्टूडेंट्स मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम पर मोल एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450 मिलीलीटर। अब मोलेरिटी के लिए स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला आपको बताया है, मोलेरिटी कैपिटल M इक्वल कितना होगा स्टूडेंट्स क्या होता है WB अपॉन MB इनटू V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, मिलीलीटर होगा तो हम ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, WB मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया स्टूडेंट्स मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम NaOH मींस 5 अपॉन MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है स्टूडेंट्स 40 इनटू V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है स्टूडेंट्स 450 मिलीलीटर, ठीक है, मिलीलीटर ऊपर हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो आ रहा है स्टूडेंट्स कितना आ जाता है 0.278। ओके, तो ये रहेगी स्टूडेंट्स मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.278, ये हमारा आंसर होता है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड मींस H3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। स्टूडेंट्स कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, मोलेलिटी स्मॉल एम हमें कैलकुलेट करना है, किसके लिए स्टूडेंट्स 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो इथेनोइक एसिड क्या हुआ स्टूडेंट्स सोल्यूट,
मास ऑफ सोल्यूट डब्ल्यू बी इक्वल कितना दिया गया स्टूडेंट्स 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड। ठीक है, अब इथेनोइक एसिड CH3COOH है तो मोलिकुलर मास एम बी इक्वल कितना होगा स्टूडेंट 60 ग्राम मोल इनवर्स। अब यहां हम देखें स्टूडेंट्स के एसिटिक एसिड CH3COOH इसका मोलिकुलर मास कितना होता है 60 ग्राम। ठीक है, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 3 हाइड्रोजन है तो 3 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 इक्वल कितना हो जाता है स्टूडेंट 60। तो यहां याद रखिएगा स्टूडेंट्स के मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना होता है 60 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट WA इक्वल कितना दिया गया स्टूडेंट 75 ग्राम। ओके, बेंजीन क्या है स्टूडेंट्स यहां सॉल्वेंट एंड इथेनोइक एसिड क्या होगा स्टूडेंट सॉल्यूट। ओके, सभी चीज हमारे सामने है स्टूडेंट्स। अब मोलेलिटी के लिए फॉर्मूला हमने बताया स्टूडेंट्स मोलेलिटी एम इक्वल क्या होगा डब्ल्यू बी मीन्स मास ऑफ सोल्यूट अपॉन एम बी मीन्स मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम और ग्राम होगा तो हम ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मोलेलिटी स्टूडेंट्स अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2.5 इंटू में 1000 अपॉन में एम बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 60 इंटू में डब्ल्यू ए की वैल्यू क्या दी गई स्टूडेंट 75। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स मोलेलिटी कितना आ जाता है 0.556। ओके स्टूडेंट्स, तो मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा स्टूडेंट 0.556 जो हमारा आंसर हो जाता है स्टूडेंट्स कंप्लीट। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्वड इन 200 मिलीलीटर वाटर कैलकुलेट द मोलेरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स देखिएगा गिवन दैट हमें दिया क्या गया है सबसे पहले ये देखिए 5.85 ग्राम ऑफ NaCl मतलब मास ऑफ सॉल्यूट NaCl क्या है यहां सॉल्यूट। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है 200 मिलीलीटर। अब देखिएगा WB मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 5.85 ग्राम। ठीक है, क्या है सॉल्यूट स्टूडेंट्स NaCl सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मोलिकुलर मास MB इक्वल कितना होगा 58.5 क्योंकि सोडियम का 23 प्लस Cl का कितना होता है स्टूडेंट्स 35.5। ठीक है, 23 प्लस 35.5 इक्वल कितना हो जाता है 58.5 जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl होगा स्टूडेंट्स। ओके, एंड द नेक्स्ट हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स वॉल्यूम कितना दिया है 200 मिलीलीटर। अब सभी वैल्यूज दे दी गई स्टूडेंट्स मोलेरिटी के लिए फॉर्मूला हमारा क्या बनता है स्टूडेंट्स मोलेरिटी हम सभी जानते हैं कैपिटल एम इक्वल क्या होगा मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 5.85 इंटू 1000। ठीक है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स यहां पर वॉल्यूम मिलीलीटर में और अपॉन में क्या लिया स्टूडेंट्स हमने MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया स्टूडेंट 58.5 इनटू V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कितना दिया स्टूडेंट्स 200 मिलीलीटर। ओके, इक्वल क्या हो जाता है स्टूडेंट्स 1/2 इक्वल 0.5 तो मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो रहेगी स्टूडेंट्स ये कितनी रहेगी 0.5। ओके, ये हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 16 कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच 4 ग्राम NaOH इज डिसॉल्वड इन 500 ग्राम वाटर। स्टूडेंट्स गिवन इट हमें दिया क्या गया है कैलकुलेट क्या करना है तो सबसे पहले कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन मतलब स्मॉल m हमें कैलकुलेट करना है इन विच 4 ग्राम NaOH NaOH क्या होगा स्टूडेंट्स सॉल्यूट तो मास ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम और NaOH का मोलिकुलर मास कितना होता है स्टूडेंट्स 40। ठीक है, इज डिसॉल्वड इन 500 ग्राम वाटर 500 ग्राम है ग्राम में मींस मास मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है स्टूडेंट्स 500 ग्राम तो WB इक्वल 4 ग्राम MB इक्वल कितना है स्टूडेंट्स 40 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट WA इक्वल कितना होगा स्टूडेंट्स 500 ग्राम। अब मोलेलिटी के लिए स्टूडेंट्स फार्मूला हमारा क्या बनता है मोलेलिटी स्मॉल m इक्वल WB अपॉन MB WB मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू WA मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ग्राम होगा तो हम ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब वैल्यूज आपके सामने स्टूडेंट्स मोलेलिटी स्मॉल m इक्वल कितना है स्टूडेंट्स WB की वैल्यू क्या है 4 ग्राम। ठीक है, और अपॉन में हमने क्या लिया MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है स्टूडेंट्स 40 इनटू WA मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है स्टूडेंट्स 500 ग्राम। ठीक है, ऊपर हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे हम स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा 1/5 इक्वल 0.2 तो मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना रहेगा स्टूडेंट्स 0.2। ओके, आंसर आ जाता हमारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17। ओके, 5 ग्राम NaOH इज डिसॉल्वड इन 1 लीटर सॉल्यूशन कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। स्टूडेंट देखिएगा क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है 5 ग्राम NaOH मतलब मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम है और NaOH है। ठीक है, इक्विवेलेंट मास कितना होता है स्टूडेंट्स का 40।
डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना दिया गया स्टूडेंट्स 1 लीटर सॉल्यूशन, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 1 लीटर इक्वल 1000 मिलीलीटर। ठीक है, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैपिटल एन हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स नॉर्मेलिटी, डब्ल्यूबी मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम, ठीक है, एनएच दिया इक्विवेलेंट मास चाहिए हमें क्योंकि नॉर्मेलिटी में हम इक्विवेलेंट मास लेते हैं, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट ईबी इक्वल कितना होगा स्टूडेंट्स एनएच के लिए 40 होता है, और वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है स्टूडेंट्स 1 लीटर मींस 1000 मिलीलीटर। ओके, तो नॉर्मेलिटी एन इक्वल क्या होता है डब्ल्यूबी अपॉन ईबी इनटू वी इन मिलीलीटर, वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा, हम ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। डब्ल्यूबी की वैल्यू क्या दिया गया स्टूडेंट आपको 5, ईबी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 40, तो अपॉन में हम क्या ले लेते हैं 40 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है वी 1000 मिलीलीटर, तो हम ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट। ओके, तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारा 1/8 इक्वल 0.125, तो नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना रहेगा स्टूडेंट्स 0.125। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट होता है। ओके, कंप्लीट होता है स्टूडेंट। ओके, अब ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने किए स्टूडेंट इसकी आप लोग सभी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।